Scheme, और काफी इम्पोर्टेंट स्कीम है न्यूज में रही है पिछले साल दिसंबर के मंथ में भी ये पीआईबी के अंडर स्कीम हाईलाइट हुई थी सो so, काफी इम्पोर्टेंट स्कीम है और क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और लेक्चर शुरू करने से पहले एक चीज और बता दू फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड ऑफ सोशल प्रोटेक्शन या कोई भी अगर हम थ्योरी लेक्चर करेंगे I have decided कि at least मैं आपको एक एमसीक्यू जरूर कराऊंगा एट द एंड ऑफ द लेक्चर या मिडल में बोर्ड जैसे भी प्लेस करेंगे हम उसको एक एमसी क्यू जरूर कराऊंगा यूपीएससी ईपीएफओ एओ एपीएफसी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक है ताकि एक आइडिया आपको लगे कि हाँ यार ये स्कीम में से इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है ओके जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही एक क्वेश्चन बन सकता है वेरिएशन आ सकती है दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ठीक है जी तो इस लेक्चर के अंदर जो हम स्कीम डिस्कस करेंगे दैट इज योर अटल वायु अभ्युदय योजना अटल वायु अभ्युदय योजना इन शॉर्ट ए वी वाई ए वाई ठीक है नीचे इमेज जो लगी हुई है उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि दिस इज स्कीम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड एज ठीक है तो इस स्कीम को अब हम डिस्कस करेंगे काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है अच्छे से करना फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए एवीवाई वी की अटल वायु अभ्युदय योजना

कैसे इंप्रूव करेंगे उनको बेसिक कम्यनिटीज प्रोवाइड करा के जैसे कि शेल्टर फूड मेडिकल केयर एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज बेसिकली ये उन सीनियर सिटीजन्स के लिए स्कीम है जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो किसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंडर कवर नहीं हो रहे जिनके पास कोई रेगुलर इनकम या पेंशन नहीं आ रहा है जिनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट नहीं कर रही है उन सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए ये मेनली स्कीम है ठीक है ताकि उनको हर तरह की अमेनिटी जो इस एज के अंदर इंपॉर्टेंट है वो मिले ऑल राइट right. और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा कंप्लीटली तो एक तरह से फाइनेंशियल सिक्योरिटी हेल्थ सिक्योरिटी न्यूट्रिशनल शेल्टर वेलफेयर ये सब इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम का एक सबसे इंपॉर्टेंट uh, कॉम्पोनेंट है कि सबको साथ में लेकर के चलना है तो यहां पर बात किस चीज की हो रही है प्रोडक्टिव एंड एक्टिव एजिंग कि जो एजिंग है अब देखो एजिंग को तो आप रोक नहीं सकते ना बूढ़ा तो सबने होना तो अल्टीमेटली वो जो एजिंग हो रही है वो अच्छे से निकले और उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सोच ले कि हम काम करेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी तो इसीलिए इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट्स की No, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इस एरिया के अंदर काम कर रहे हैं एनजीओस है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है लोकल बॉडीज हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट की जाएगी ताकि ये सब मिलकर के काम कर सके फॉर द वेलफेयर ऑफ द सीनियर सिटीजन अब इस स्कीम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोग्राम है जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन वैसे तो इसके अंदर और भी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं सब स्कीम्स आती हैं आ, वो अभी हम देखेंगे ब्रीफली लेकिन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन इंपॉर्टेंट है ये अच्छे से कवर होना चाहिए कॉम्पोनेंट है एवी वाई ए वाई का अब इसके अंदर बेसिकली है क्या इसमें बात कर रहे हैं हम सीनियर सिटीजन होम्स बनाने की जिसको आप ओल्ड एज होम भी बोलते हो ठीक है और स्पेसिफिकली किसके ऊपर फोकस करेंगे गैप डिस्ट्रिक्ट्स अब ये गैप डिस्ट्रिक्ट क्या है जो इस स्कीम में हाईलाइट किए गए हैं गैप डिस्ट्रिक्ट्स वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर सीनियर सिटीजन होम है ही नहीं या अगर सीनियर सिटीजन होम है भी तो वो बहुत बुरी हालत में है ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर स्टेट गवर्नमेंट सरकार का भी कोई सरकारी सीनियर सिटीजन होम भी नहीं है तो ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर स्पेसिफिकली सीनियर सिटीजन होम को फॉर्म किया जाएगा उनकी मेंटेनेंस के ऊपर काम किया जाएगा इसके लिए प्राइवेट सेक्टर एनजीओ को भी जो है एप्लीकेशन के लिए इनवाइट किया गया है कि आप एप्लीकेशन भेजिए और इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है ई अनुदान पोर्टल जहां पर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ओल्ड एज होम्स ओके फिर को सिलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दे प्रोवाइड ऑन दिस पोर्टल एंड स्टेट गवर्नमेंट या यूटी गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन के ऊपर फिर उनको अलाउ किया जाएगा टू रन द ओल्ड एज होम्स ये इसीलिए ताकि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ओल्ड एज होम्स हो जहां पर सीनियर सिटीजन जिनके के पास कोई और सोर्स अब नहीं बचा है दे कैन गो एंड दे कैन बी टेकन केयर ऑफ इसके अलावा जो इस स्कीम के अंदर वेरियस कंपोनेंट्स हैं इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन स्टेट एक्शन प्लान फॉर सीनियर सिटीजन राष्ट्रीय वायोष्री योजना सीनियर एबल सिटीजंस फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी जिसको सेक्रेड बोलते हैं एक्शन ग्रुप्स एम्ड एट सोशल रिकंस्ट्रक्शन सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ एल्डर लाइन ये एक नेशनल हेल्पलाइन है सीनियर सिटीजन के लिए सीनियर जो सी एस आर फंड है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू इंडस्ट्रियलिस्ट बेसिकली फंड दे रहे हैं उसको कैसे एल्डरली केयर के लिए यूज किया जाए और ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग जो प्रोग्राम्स हैं सीनियर सिटीजन के वो वेरियस कॉम्पोनेट्स हैं इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा अगर वो क्वेश्चन में पूछ लेता है अब एक क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे वो पूछ सकता है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज इन करेक्ट अबाउट द अटल वायु अभ्युदय योजना सीधा सा क्वेश्चन है मैंने आपको पहले भी बताया है कि करेक्ट और इनकरेक्ट पे पहले सर्कल लगा लेना पेपर के अंदर ठीक है कि करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट ऑप्शन ए है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ऑप्शन बी है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन इज अ कॉम्पोनेट ऑफ एवीएवाई डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको रन करता है नन ऑफ दी दब इनमें से कौन सा स्कीम कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अब देखो अभी पढ़ लिया है तो बहुत आसान लग रहा होगा क्वेश्चन ये बट पेपर के अंदर ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस ठीक है अब देखो अपने को पता है कि हाँ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन कंपोनेंट है तो ये तो करेक्ट है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको रन कर रहा है ये भी करेक्ट है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता ठीक है अब ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के ऊपर फंस जाता है कि सेंट्रल सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है है या सेक्टर तो अपन ने देखा है कि ये क्या है ये सेंट्रल सेक्टोरल स्टेटमेंट गलत है और अपने से क्या पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ओके ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर इन दिस केस ये नन ऑफ गलती से हाईलाइट हो गया आंसर जो है इसका ऑप्शन ए है ओके okay? चलिए ऑलरेट गेस सो दिस वॉज योर अटल वायो अभ्युदय योजना वी हैव कवर्डेड एंड इसी तरीके से सारी स्कीम्स को हम छोटे छोटे वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे आई के लेक्चर्स भी डलते रहेंगे अभी अकाउंट्स के भी थोड़े लेक्चर्स और डालेंगे ठीक है सो so अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और अगर बाकी फ्रेंड्स आपके इन एग्जाम्स को दे रहे हैं ईपीएफओ एओईओ न्ड आरबीआई तो उनको भी चैनल शेयर जरूर करें चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय